हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसमें हम इतिहास के कुल 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगर आपको ओल्ड पेपर देखने हैं नेट के, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जो UGC नेट के ओल्ड पेपर देख सकते हैं। इसके अलावा UGC नेट के जो प्रैक्टिस सेट है वो भी देख सकते हैं। मैंने ज़्यादातर जो भी वीडियोस डाले हैं वो इतिहास पे हैं, तो आप उन इतिहास के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ही मिल जाए। तो चलिए आज का हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले ए का गुलाम वंश जो स्टार्ट हुआ था वो 1206 से 1290 तक। फिर खिलजी वंश हो जाएगा 1290 से 1320 तक। इसके बाद तुगलक वंश जो कि 1320 से 1412 तक, और सैयद वंश 1414 से 1450, लोधी वंश 1550 से 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप अपने आप टिक कर लीजिएगा, इसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं तो मैं शॉर्ट में ही सॉल्व कराऊंगी। किस राजा ने नदियों पर 100 पुल बनाए? तो ये पुल बनाने वाला राजा था फिरोज तुगलक, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली संतल काल में निम्न में से कौन अधिकारी लगान संबंधी विवादों का निर्णय करता था? तो ये विवादों का निर्णय करता था अमीन या मुंसिफ, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कश्मीर के किस शासक ने 14वीं सदी में जजिया कर लगाया? तो ये शासक था सुल्तान सिकंदर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता था अमीर खुसरो को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली से दौलताबाद तक सड़क का निर्माण किसने कराया? यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें पूरे ऑप्शन नहीं है, मैं दूसरे ऑप्शन दिखाती हूँ। तो ये बनाने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, स्कैन साफ से नहीं हुआ है, किसने नागौर के निकट अटारी दीन का दरवाजा का निर्माण कराया? तो ये निर्माण कराने वाले थे फिरोज तुगलक, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे जौनपुर के शर्की शासक के समय में विकसित स्थापत्य कला की विशेषता को स्वीकार नहीं किया गया? तो नहीं स्वीकार किया गया वह था गुंबद, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फर्गुसा ने गुजरात की इमारत में से किस एक को विश्व की सुंदरतम इमारत के में से बताया था? तो यह था तीन दरवाजा, यानी बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 15वीं शताब्दी के अंत में निम्न में से किसने कागज को भारत में आरंभ करके लघु चित्रों के निर्माण में परिवर्तन को आरंभ किया? तो ये परिवर्तन करने वाले थे तुर्की, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो ये संरक्षण प्रदान करने वाले थे फारसी, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित भाषाओं में से किस में तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा मल फुजात ए वंशी को लिखा था? तो यह लिखने वाला था तुर्की, किस भाषा में था? तो ये तुर्की भाषा में था, बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस सुल्तान ने अदीना मस्जिद का निर्माण कराया? तो ये निर्माण कराने वाले थे बंगाल का सिकंदर शाह, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस नगर में अटाला मस्जिद है? तो अटाला मस्जिद जो है वह होगा जौनपुर में, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से वह कौन सी इमारत है जिसकी दीवारों पर अरबी में यह अभिलेख है कि उसके निर्माण में 27 मंदिरों के भग्नावशेष को प्रयोग में लिया गया? तो यह कौन सी मस्जिद है? तो यह था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यानी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जहाज महल और रानी रूपमती तथा बाज बहादुर के यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, बाज बहादुर के महलों का निर्माण हुआ है, तो यह था मांडू में, ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। थोड़ा सा क्लीन नहीं है लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान देकर उसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर भी साफ नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर है ये 17, निम्नलिखित शासकों में से किसने जौनपुर की जामी मस्जिद का निर्माण कराया? तो ये मस्जिद का निर्माण कराने वाले थे हुसैन शाह शर्की, यानी डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सूफी संप्रदाय चिश्ती के प्रचार प्रसार का निजामुद्दीन औलिया को दिया गया, दक्षिण में चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने की? तो दक्षिण में जो चिश्ती परंपरा की शुरुआत की थी वो की थी शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने, डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 19, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन फुतू उस सलातीन का रचयिता है? तो फुतू उस सलातीन का रचयिता है ख्वाजा, ये हो जाएगा ए वाला, ख्वाजा अबू बकर इसामी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें भी साफ नहीं दिख रहा है, इसमें हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जामवती कल्याण को लिखा? जामवती कल्याण का लेखक कौन है? तो इसका लेखक मैं बताती हूँ आपको, दूसरे ऑप्शंस दिखाती हूँ। इसमें बी ऑप्शन होगा, विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी राज रासो निम्न में से किसकी रचना है? तो यह रचना है चंद बरदाई की, ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें सूची एक को सूची दो से हमें सुमेलित करना है, विशिष्ट द्वैतवाद, तो ये सामने ही है, रामानुजाचार्य हो जाएंगे द्वैतवाद, माधवाचार्य हो जाएंगे शुद्धाद्वैतवाद, ये हो जाएगा विष्णु स्वामी का, फिर द्वैतवाद हो जाएगा निबिकाचार्य से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, अष्टछाप वर्ग में आने वाले 8 शिष्य किसके अनुयायी थे? तो ये थे वल्लभाचार्य के, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, चंडीदास निम्नलिखित में से किस भाषा के कवि थे? तो चंडीदास थे बंगाली भाषा के। क्वेश्चन नंबर 25, कीर्तिवास निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को बंगाली में अनुवाद किया था? तो ये था रामायण का अनुवाद किए थे, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में खगोल विद्या कला की पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया? तो यह अनुवाद हुआ था फिरोज तुगलक के समय में। क्वेश्चन नंबर 27, शिशुपाल निम्न में से किसके द्वारा रचित है? तो शिशुपाल लिखा गया है माघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, कृष्णदेव राय के विषय में क्या सत्य है? तो जो सत्य है वो इस ऑप्शन में नहीं है, मैं अदर ऑप्शन आपको दिखाती हूँ। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैं आपको बता देती हूँ।
इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी वाला, यानी इसमें जो कथन है आपको मैंने पीछे जो दिखाया था, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे कथन सही है। आप वीडियो पॉज करके इसे देख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हरि किशन शास्त्री के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों की संख्या थी, तो यह प्रांतों की संख्या थी 6। क्वेश्चन नंबर 30, नोनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत लगान था, तो यह लगान था 1/10 का, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्ट दिग्गज किसे कहा गया, तो अष्ट दिग्गज कहा गया था सी, तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विजयनगर साम्राज्य के सैन्य विभाग को क्या कहा जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य के जो सैन्य विभाग था उसे कहा जाता था कंदाचार, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर साम्राज्य में निम्न में से महानायकाचार्य का क्या कर्तव्य है, तो महानायकाचार्य का जो कर्तव्य है वह है सी ऑप्शन, गांव प्रशासन की देखभाल करना। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से विरूपाक्ष क्या है, विरूपाक्ष है वैष्णव धर्म का एक देवता, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ में मालवा विजय के उपलक्ष में, यहाँ उपलक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, स्कैन नहीं हुआ है ठीक से, में बनाया गया कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, तो यह बना हुआ है लाल पत्थर का, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर साम्राज्य एक केंद्रीयकृत राज्य था, यह किसका कथन है, तो यह कथन है पर्सियन ब्राउन का, यानी सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था इसमें जो ऑप्शन होगा बी वाला हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526, यहाँ पे 26 नहीं दिखाई दे रहा है, 26 कर लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया, तो यह राज्याभिषेक हुआ था आगरा में, ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की, तो इसमें शेर शाह ने दिल्ली नहीं दिख रहा है, आप दिल्ली नोट कर लीजिए, अफगान सत्ता की स्थापना की, तो यह था बिलग्राम का युद्ध, यानी ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने सिंह और लोमड़ी के गुण थे, तो सिंह और लोमड़ी के गुण वाला शासक था डी ऑप्शन शेर शाह, तो यहाँ पर सिंह नहीं दिख रहा है, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, 13 वर्ष की अल्प आयु में 14 फरवरी 1526 को अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो यह अभिषेक हुआ था करनौल, यानी डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, आदिल शाह वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू ने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता, यहाँ पे 22 को जीता होगा था, हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की, तो यह इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा सी वाला, मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे, सी हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अकबर और राणा सांगा के मध्य हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था ए ऑप्शन हो जाएगा 18 जून 1576 में। क्वेश्चन नंबर 44, अकबर के शासनकाल में उच्चतम
अकबर के शासनकाल में उच्चतम मनसब कर दिया गया, तो यह दिया गया था, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी वाला होगा। यहाँ टिक कर लेते हैं, 5,000 से 9,000। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर होगा 45। अकबर ने मिर्जा हकीम की बहन बख्तुनिशा को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया, तो यह नियुक्त हुआ था काबुल का, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46, अबुल फजल ने किस मुगल बादशाह में अरस्तु उल्लिखित चार तत्वों आग हवा पानी और भूमि का समावेश माना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें जो आंसर बनेगा। आगे कथन और कारण के क्वेश्चन है, कथन ए है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका कथन है 1939 में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के तुरंत बाद ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, तो मुक्ति दिवस इन्होंने मनाया, तो इसमें जो आंसर होगा ये करेक्ट है। और रीज़न दे रहा है, अंबेडकर ने इसका समर्थन किया और इसमें सम्मिलित हुए, ये भी करेक्ट होगा, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा ए आर दोनों सही है और इसकी स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, 19वीं शताब्दी में आरंभ तक भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से पूर्णतः प्रभावित हो गई, तो ये बात तो 19वीं शताब्दी में, तो ये गलत होगा। आगे देखते हैं और रीज़न दे रहा है, भारत का शिक्षित वर्ग पाश्चात्य सभ्यता और ज्ञान को श्रेष्ठ मानने लगा, ये करेक्ट होगा, तो जो इसमें ऑप्शन बनेगा यानी ए गलत और आर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक अग्रदूत प्रवृत्ति का जन्म हुआ, ये गलत है, यहाँ हम क्रॉस कर लेते हैं। और रीज़न दे रहा है, इस दौरान इटली के एकीकरण और स्वतंत्रता का आंदोलन जोर शोर से चला, ये करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन जो इसमें सही होगा ए गलत और आर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण में दक्षिण में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों की गति उत्तर और पश्चिम भारत में अनुपात में धीमी थी, ये करेक्ट हो जाएगा। और रीज़न दे रहा है, वह सुधारकों की पृष्ठभूमि में उच्च वर्ग ही था जो किसी ऐसे मौलिक सामाजिक परिवर्तन का समर्थन नहीं कर सकते थे जिनमें उनकी अपनी प्रधानता पर आँच आती, तो ये क्रॉस कर देते हैं, ये गलत होगा, तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा ए सही और आर गलत हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दिया गया है वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर और भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।